इन दिनों दीपिका पादुकोण की फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर केज की खूब चर्चा हो रही है। पिछले शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई और उसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ दिन पहले फिल्म का प्रीमियर शो मुंबई में रखा गया था। यहां दीपिका और विन डीजल के साथ कई बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की थी। इस फंक्शन में दीपिका ने गोल्डन कलर की डीप नेक गाउन पहनी हुई थी। वो भले ही इस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हो, लेकिन दीपिका काफी असहज भी दिखी। वो बार बार अपनी ड्रेस को एडजस्ट कर रही थी। मीडिया ने ये खबर भी चलाई कि दीपिका वार्डरोब मालफंक्शन का शिकार हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए किसी ने फोटोशॉप के जरिए दीपिका की एक फेक फोटो बना दी, जिसमें उनका गाउन खिसका हुआ दिख रहा है। ये नकली तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये भद्दी फोटो दीपिका की इमेज को खराब करने के लिए बनाई गई, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। दीपिका ने इस शो के लिए खास तौर पर ये गाउन डिजाइनर नईम खान से डिजाइन करवाया था, लेकिन ड्रेस की वजह से काफी कंट्रोवर्सी हो गई। अब फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। खैर, दीपिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही उन्होंने कोई बयान दिया। बता दें कि इस इवेंट में दीपिका और विन डीजल ने लुंगी डांस भी किया था। साथ ही विन ने ये भी कहा था कि वो दीपिका से बहुत प्यार करते हैं और उनके जैसा कोई नहीं है। वहीं दीपिका ने भी एक हॉलीवुड टॉक शो में कहा था कि वो विन के बच्चों की मां बनने के सपने देख रही हैं।